सोचो, एक तरफ जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कंटेंट को लेकर स्ट्रगल करती नजर आ रही है, वहीं साउथ में लगभग एक जैसी ही थीम के साथ बनने वाली फिल्में जबरदस्त हाइप क्रिएट कर रही हैं। अभी कब्जा का टीजर ही देख लो, फुल ऑन केजीएफ वाइब के बाद भी फिल्म हमको कुछ अलग ऑफर करने का हिंट दे रही है। लेकिन मेरा डर ये है कि कहीं ये जॉनरा इतना रेपिटेटिव ना हो जाए कि इसके बाद ऑडियंस ही बोर हो जाए। अब क्योंकि कब्जा केजीएफ की तरह ही एक कन्नड़ा मूवी है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट को बहुत डिसेंट तरीके से हैंडल किया गया होगा, जो उसके टीजर से पता भी चल रहा है। जब आपके पास ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट रेडी हो तो उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेंगे। इसीलिए केजीएफ जहां विलेंस की स्टोरी पर ज्यादा फोकस कर रही थी, वहीं इसमें हमको वो आजादी वाले टाइम को दिखाकर थोड़ा हिंट दिया गया है कि यहां प्राइस पर गैंगस्टर लीडर की कुर्सी नहीं बल्कि कुछ उससे भी बड़ा लगा हुआ है। अब केजीएफ जैसे इसमें गोल्ड फील्ड्स की तरह कोई बड़ा मोटिव नहीं दिखाया गया है, लेकिन गैंगस्टर की भीड़ के बीच में अपने हीरो की एंट्री, विलेंस के ग्लिम्पसेस और वाइड रेंज शॉट्स आपको इसका प्रेमिसेस बड़ा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन कहानी कितनी बड़ी होगी। मेरे लिए हर फिल्म अलग होती है, लेकिन जब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी मुझे टीजर में दिखाई देगी तो मुझे इसके इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ी बात करनी ही होगी। पूछना पड़ेगा कि तुम नया क्या लाई हो। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हम कुछ अच्छा ऑफर कर रहे हो तो फ्री के मजे क्यों ले रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज कर दो। अच्छा, थोड़ा सा अभी कर दो, थोड़ा बाद में कर देना। तो पहले इसके ब्लूप्रिंट से शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये फिल्म एक बड़ी कहानी कहती है। किसी भी फिल्म की तीन सबसे जरूरी बातों में से एक उसकी कहानी ही होती है कि वो अपने साथ क्या वैल्यू लेकर चल रही है, दांव पर क्या चीजें लगी हुई हैं, मैटर कितना गंभीर है और कैरेक्टर की मोटिवेशन कितनी ज्यादा है। ये सारे पॉइंट्स को केजीएफ अच्छे से हैंडल करती है। ये एक टिपिकल इंडियन फिल्म थी, लेकिन ज्यादा बड़ी, बेहतर और मासी। ये किसी हीरो की कहानी नहीं कहती जिसको सबके लिए अच्छा ही करना है, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर चलती है जिसका सोलो मोटिव ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। रॉकी इसीलिए किसी मॉरल हाई ग्राउंड को लेकर नहीं चलता, बल्कि अपने मतलब को लेकर चलता है। यहाँ इस जर्नी में उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स जरूर हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एक सिचुएशन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके केजीएफ में एंट्री के टाइम ही जब एक वर्कर को मार दिया जाता है, एक बच्चे को गोली मार दी जाती है, तब भी वो सब कुछ देखता रहता है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन करने के बाद वो उस बूढ़े को भी बचाता है, क्योंकि तब सारी लिमिटेशंस खुल चुकी हुई थी। इसने अपने विलेंस को इस लेवल पर सेट कर दिया था कि उसके बीच रॉकी का नाराची में एंट्री करना ही बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। इसके बाद गरुणा को मारने से ज्यादा उसको मारने के तरीके ने हमारे लड़कों के बीच में एक इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी कि भाई मेरे को अभी पिक्चर देखनी है, अभी दिखाओ। ऐसे में केजीएफ 2 जब आई, तब वो ऑलरेडी एक हाइप ट्रेन पर बैठी हुई थी, जिसका सीधा फायदा इसके पहले ही वीक में दिखाई दिया और 1400 करोड़ प्रोड्यूसर्स के अकाउंट में भर गए। अब क्या ये सारी बातें कब्जा हमको दिखा पाएगी, क्योंकि ऑनेस्टली इसके लीड एक्टर उपेंद्र बढ़िया एक्टर हैं, मगर अकेला एक्टर क्या ही करेगा अगर कहानी बड़ी ना हो। ऐसी फिल्में एक बड़े प्रेमिसेस की डिमांड करती हैं। दो पार्ट्स में कहानी को लिखने का सिंपल फॉर्मूला ही फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। ऐसे में इसके ट्रेलर में हम क्या देखेंगे, कितने कैरेक्टर्स देखेंगे और क्या नया देखेंगे, ये देखने वाला होगा। फिर भी एक सवाल हमें खुद से भी पूछना पड़ेगा कि हमारी हिंदी इंडस्ट्री क्या कर रही है। ब्रह्मास्त्र का नाम यहाँ मत लेना, क्योंकि वो एक एवरेज मूवी थी, आज भी बोल रहा हूँ, और आज से 6 महीने बाद इसकी तारीफों के पुल बहनने वाले भी यही बोलेंगे। एफर्ट बहुत अच्छा लगाया था, नो डाउट, लेकिन 10 साल की मेहनत का मुझे ये रिजल्ट तो एवरेज ही लगा। मुझे फिल्म से कोई हिट नहीं है, लेकिन मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ने ही मेरे लिए इसका एक्सपीरियंस खराब करके रख दिया। मेरा ओपिनियन है भाई, हिट नहीं, मैं इसके सेकंड पार्ट में इससे बेहतर कुछ देखना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं था, लेकिन केवल फायर शो देखने थोड़े गए थे भाई। इसके बारे में हम ज्यादा बात इसके स्पॉइलर वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी वो सवाल जो मेरा हमारी हिंदी इंडस्ट्री के लिए है वो ये कि हमारे पास साउथ से भी बड़ा मार्केट है, फिर भी हम इस लेवल की हाइप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आदि पुरुष को हटा दो तो आप दिल पर हाथ रखकर बताओ कि देश में आने वाली सबसे ज्यादा हाइप फिल्मों में कितनी हिंदी फिल्में हैं। आदि पुरुष भी एक बायलिंगुअल फिल्म है, प्योर देसी अपनी हिंदी फिल्मों का ऑल ओवर इंडिया वाली हाइप कब बनेगी, खैर वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई ओपिनियन या वीडियो को लेकर शिकायत भी हो तो नीचे लिख देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना। दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।